सीएए के खिलाफ पिछले 3 दिनों से हल्द्वानी में चल रहा मुस्लिम महिलाओं का धरना समाप्त हो गया है। सीए कानून को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और उसके बाद राष्ट्रगान गाकर अपना धरना समाप्त किया। सीए के खिलाफ धरने पर बैठे महिलाओं के घर चले जाने के बाद ही प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि एसएसपी का कहना है कि एहतियात के रूप में अभी पुलिस फोर्स बनभुर पूरा क्षेत्र में तैनात रहेगी और 27, 28 और 29 जनवरी को फिर से मुस्लिम समुदाय द्वारा धरने की बात कही गई है, उसको देखते हुए भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम पहले से किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीए को लेकर ये धरना चल रहा था, सीए को लेकर चल रहा धरना अब समाप्त हो चुका है। पिछले 3 दिनों से मुस्लिम महिलाएं यहां पर धरने पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपना ज्ञापन पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा और उसके बाद उन्होंने अपना जो धरना है उसको खत्म किया और धरने को खत्म करने से पहले उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर साथ में राष्ट्रगान गाया। राष्ट्रगान के बाद उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा और अपना धरना समाप्त किया। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है वो अभी भी बिल्कुल एक्टिव मूड में है क्योंकि 27, 28 और 29 तारीख को फिर से कहा गया है कि धरना किया जा सकता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे फिर से धरना किया जा सकता है, जिसको लेकर तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश पांडे इस पूरे मामले पर जुड़े। तो दिनेश, जिस प्रकार से इन महिलाओं ने अपना धरना 3 दिन के बाद समाप्त किया है, वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि फिर से धरना हो सकता है। अभी जो रणनीति है उनकी एक तैयार हो रही है और देर रात पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने बड़ी राहत की सांस ली है क्योंकि एक मांग पत्र एसएसपी को सौंपने के बाद सभी महिलाओं ने अपना धरना समाप्त किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सीए का प्रोटेस्ट अभी पूरी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। अभी गणतंत्र दिवस के बाद 27, 28, 29 जनवरी को बुद्ध पार्क में वो सीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो लिहाजा थोड़ी बहुत राहत प्रशासन को तो मिली है। लेकिन अभी फिर से प्रोटेस्ट की बात सामने आने के बाद जो पुलिस प्रशासन ने फोर्स अतिरिक्त फोर्स यहाँ मंगाया था उसे अभी डिप्लॉय किया हुआ है, खासकर बनभूरपुरा में, और आगे इस तरह के धरना देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने की बात भी प्रशासन ने कही है। जो धरने पर बैठे लोग थे उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये रणनीति का हिस्सा है कि अभी वो अपना धरना समाप्त कर रहे हैं, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में उनका ये जो धरना है, ये प्रोटेस्ट है, ये बदस्तूर ऐसी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। दिनेश, क्या किसी अधिकारियों की कोई बात हुई है प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का ऐसे 3 दिन बाद धरना समाप्त कर देना, फिर कुछ दिन बाद 3 दिन के धरने की बात कहे जाना, तो अधिकारियों से कोई बात हुई है इन प्रदर्शनकारियों की या धरना समाप्त कराने के लिए अधिकारियों ने क्या कुछ किया? देखिए, लगातार प्रशासन इन प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर रहा था और खासकर जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया और उसके बाद पूरे सरकारी सिस्टम और यहाँ बैठे आला अधिकारी सारे हरकत में आए और किसी भी तरह उनको इस धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रूप से समाप्त करना था, जिस तरह लगातार वार्ता चल रही थी और देर रात 11 बजे एसएसपी को मौके पर बुलाया गया और काफी बात होने के बाद एसएसपी ने सभी प्रदर्शनकारियों को समझाया और जिसके बाद सभी ने अपना एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम दिया सीएए को वापस लेने के उसमें, और तात्कालिक उन्होंने अपने जो धरना प्रदर्शन था उसको समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन पहले से उन्होंने 27, 28 और 29 को बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन करने की बात प्रशासन से कही हुई थी। अब देखना यह है कि गणतंत्र दिवस के बाद क्या प्रशासन बुद्ध पार्क में इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देता है या नहीं, यह तब की बात होगी। लेकिन फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है, लेकिन प्रशासन के लिए अभी ये चिंता की बात है कि इस तरह के प्रोटेस्ट कभी भी दोबारा हो सकते हैं, लिहाजा लोकल फोर्स एलआईयू और इंटेलिजेंस यूनिट सबको अलर्ट पर रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। एक विरोध प्रदर्शन पिछले 2 दिन से चल रहा था, ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही है जिसको उचित माध्यम से आगे पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद में धरना समाप्त हो गया है और सभी लोग अपने घरों को शांतिपूर्वक चले गए हैं। अभी यहां पे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त बनाई रखी जाएगी और भविष्य में भी यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखे जाएंगे।